बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। अपराधी अब पुलिस वालों को भी निशाना बना रहे हैं। ऐसा ही एक मामला रोहतास जिले के दरी गांव थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां लुटेरों ने थाना प्रभारी को गोली मार दी, जिससे वे घायल हो गए। पुलिस अधिकारी ने बताया कि गुरुवार की सुबह सूचना मिली कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर लुटेरे आने जाने वाले वाहनों से लूटपाट कर रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर दरी गांव के थाना प्रभारी दिवाकर प्रसाद अन्य पुलिसकर्मी के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस को देखते ही लुटेरे भागने लगे। बताया जा रहा है कि एक का खुद थाना प्रभारी पीछा कर रहे थे, तभी लुटेरों ने पुलिस से बचने के लिए गोली चला दी। रोहतास के पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि घायल थाना प्रभारी को प्राथमिक उपचार के बाद वाराणसी रेफर कर दिया गया है, जहां उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई है। खबरें और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए कड़वा दृष्टि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।